जय जगन्नाथ। आम भितर अनेक प्रश्न बेले बेले आसे, से तो बुझा दिय जेते पढ़िले जेते जानिले जेते चिंतिले समुद्र समुद्र परिव्याप्त। आमे जेते बेले भाबू मनरे प्रश्न आसे भगवान सात दिन एठी काईकि रहंती, जीवा आसीबा दुई दिन मिसी नौ दिन एठी सात दिन कौन पाई, पंदर दिन काईकि नुहे। ता पछरे अनेक रहस्य रहिछि। गोटे रहस्य हला गुंडीचा मंदिर होची यज्ञपीठ। ए पीठरे सात दिन व्यापी यज्ञ करिबा परे राजा इंद्रदुम्न यज्ञ पुरुषंक ज्योति ओ ता भितरु महाप्रभु को दर्शन करिथिले ज्योति रूप। यज्ञ अग्निंकर सप्त जीवा विद्यमान, सेमाने किए ना काली कराली मनोजबा सुलोहिता धूम्रवर्णा स्फुलिंगी ओ विश्वरुचि। ए सप्त शिखांकर तृप्ति पाई एठारे सात दिन अन्नभोग यज्ञ साधन होताए, तेणु जीव मैने ये सात दिन अवस्थान करत दिन मध्य महाप्रभु को जदि कई गोटे दिन दर्शन कै तेब से अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। तेज बर्तमान कौन हो आपण मैने जीए जो अच्छा से प्रभुंर ये मुग्ध लीला संदर्शन करतमान नाकचणा द्वार दे आम देखु थाएं प्रभु बलभद्र से बाहरी आसवे टाहीया तार दोलायमान गति आम देखु थाए एवं घंट मानक नाद शुणु थाए से मधुर मधुर आगमन कथा विजय हाँपी प्रभुंर धीरे धीरे आग को आसवर कथा से कथा आमको बेबे वर्णना करेंगे। निर्मला फतेह सिंह महोदय निर्मला बहसी बहुसी विषदे जलधावम हलहती भीति मिलित यमुनाभम बहसी बहुसी विषदे वसनं जलधावम हलहती भीति मिलित यमुनाभं केशव धृत हलधर रूप केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथंकर जो दिव्य लीला दश अवतार यात्रा आड़प मंडप यात्रा यज्ञवेदी यात्रा नृसिंह क्षेत्र यात्रा जो सुंदर यात्रा आप दर्शन करुले गुंडीचा यात्रा रथ यात्रा महाप्रभु मोर आसुचं बलियार भुज सी हूं बड़वाड़ शांत सुंदर भाव आसुंच अनंत कोटि ब्रह्मणनाथ से त्रिपुर भुजई बलभद्र प्रभु बलभद्र ज्येष्ठ भातृत्वर पराकाष्ठा ने घंट घंटा निनाद मध्यरे जोध्रु वेशरे पाटरजुर आकर्षण विकर्षण पूर्वक गुरुगंभीर नादरे आलट चमर सेवारे कर्पूर वर्षण दुई जाई हेनार जो सुंदर माधवता मध्यरे माधव ठाणी रे मातव ठाणी रे मतगज ठाणी रे हली हली आसुचंती झुली झुली आसुचंती देखंतु आलट सेवा चामर सेवा चली प्रभु मर आसुचंती नाकचणा द्वार दे आसिबे। ए गुंडीचा मंदिर टी होची दिव्य स्थान, ए मंदिर रे प्रभुंकर मोर गांभीर्यता नहीं, ए मंदिर ऐश्वर्यपणिया नहीं। आसीथिले कर्मभूमि जन्मभूमि को आसीथिले ऐश्वर्य भूमि माधुर्य भूमि को आसीथिले मार कोळ को माँ कोळ छाड़ीबाकु आज मोर प्रभुंकर मन हेउनि ताहिया झुलुची सत्ते जेमिति शिरे सप्तफणी विराजमान करिसंति सी अनंत सी वासुदेव कादम्बिर प्रमत सी होती बड़ ठाकुर दर्पित पहंडी कहते मोर भाई सुंदर भाव में तीन प्रकार पहंडी एटी तीन प्रकार नुहे चारि प्रकार पहंडी
सुदर्शन जितेबले आसी भगवान सुदर्शन आसला बेले क्षिप्र पहुँची जा बहुत शीघ्र शीघ्र पलि आसी हूँ सुदर्शन कारण उत्तम दर्शन प्रदान करती सी समस्त भितर अज्ञान रूपक अंधकार को दूर कर समस्त भितर ज्ञान आलोक प्रदान कर ज्ञान आलोक प्रदान करने फल जगत आनंदमय हो जाए जितेबले भावुक जितेबले रसिक आउ मो तो भाव न रखी ये भाव चक्षु आज भगवान को दर्शन कर ज्ञान चक्षु दर्शन कर ज्ञानी मैंने जितेबले भगवान को दर्शन करेंगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भगवान समस्त देहर अच्छा भगवान सर्वव्यापक किंतु आज से सुदर्शन उत्तम दर्शन प्रदान करी समस्त को भाव प्रदान करी आज आसुं मो बड़वाड़ सात ये हूँ धूप शुभ्र धवल तेणु सी हूँ बड़ ठाकुर भावर गंगा आज लहड़ी खेलुची आनंद आसुंच ताहिया झुलुची शिरे शपथ फणी मणि बीराजे ब्रह्मा शंकर जहाँ को जे भजे शुणु सी आसुतेस सी शंकर किंतु सी शंकरषण सी अनंत कौ शंकर भुजुंट ये सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानती कुत मनुष्य ये सर्वरहस्य को देवता मान भेद कर आमे मनुष्य मान कौन भेद करवा प्रभु मोर हूँ अनंतकोटि ब्रह्मनाथ से हली से मुसली सी हूँ चषा पुअर प्रतिनिधि हल लंगल धारण करती उठ चषा पुअ उठरे तू परा बड़वाड़ शांत तु परा अनंत ब्रह्मांडनाथंकर ज्येष्ठ भ्रात तुम्हें ही तुमरी ना पट्टा पाती तुमको समस्ते मानती सीए प्रभु को जेहेतु शिलभ सी हूं कौन अनंत जय जय बल देव धवल आनन शिरे सप्त फेणी सोहे छत्र स्वभावन जय तु धवल नील रूप नीलांबर जय तु अनंत रूप प्रभु हलधर जय जय शेष देव शिरे सप्त फेणी जय तु देव सुंदर जय हल पाणी हे अनंत हे शेष नाग हे संकर्षण तुम्हें पर आकर्षित हो देवकी माँ गर्भर आपण आसी कौटि की रोहिणी माँ गर्भ को तेणु आपण संकर्षण आपण बड़ भाई आपण बलराम आपण त्रेतेयार लक्षण लक्ष्मण आपण द्वापरर बलराम आउ कलीरे आम बलभद्र शास्त्र सिद्धांत दौंट सी खाली बलभद्र नुहति से रोहिणी सूत कामपाल सी काम प्रदान करती अर्थात काम प्रदान करती तार माने कौन ये समस्त कामना को पूरण करती आउ अनंतकोटि ब्रह्मनाथ मस्तक देखी ये भावर जो ताहिया लगी ये ताहिया रे सोल जरी जुम्बा ये कौन रही पैता कदली पटुका बाउंश ये आज निर्माल हो जाए तुलसी दुब सुंदर सुगंधित फूल दयना केरी केरी शोभा पाँच किंतु ये कौन कहूँ ताहिया आग को टिके जाऊ पछ को टिके जाऊँ कौन प्रचार करुची शिशी अंचाल नेता ही आगती पक्ष दुई तीर दोलाय रीति ताहिया कौन कहूँ सज्जन ताहिया कहूँ आग को गला ब्रह्म सत्य प्रचार करुची चौदिगरे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या संसारे कौन ताहिया प्रचार करुची ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आरे जीव तु ही जीव ब्रह्मैव केवलम ईश्वर अंश जीव अविनाशी बड़ ठाकुर जी बलभद्र सीए परम भद्र तार परिचय प्रदान करती से नुहे सहस्र अस्थिर बल धारण करिए हूँ बलराम ताकर बल जमी आनंद मध्य सेमती सीए राम कारण सर्वान हृदयान रम्यती राम जी समस्त हृदय को रमण करती भारी सुंदर शुभ्र धवल तनु सी हूँ गौरव बापू सी अनंतकोटि ब्रह्मनाथंकर बड़ भाई आपण मैंने शुणी सी गदा युद्ध धूरीण
ସିଏ ବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ, ସିଏ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ଆନିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଆଲଟ ସେବା, ଚାମର ସେବା, ବାୟୁ ସେବା, ଇନ୍ଦ୍ର ସେବା, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡା କୁଛନ୍ତି ମଣିମା ମଣିମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ମଣିମା ମଣିମା, ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି ଶୁଣିମା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପରା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ସର୍ପ ପରି ଶୋଭାବନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଭାଇ ମୋର କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜଗତକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକି ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧାମ ରାମ ପ୍ରିୟ ସକଲ ଜଗତ ଆଧାର, ଆପଣ ଆଧାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣ ନଥିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ନ ରହିଲେ ଭଗବାନ କାହା ପରି ଉପବାସନ କରିବେ। ଆହା ମୋ ପ୍ରଭୁ, ହଲି ହଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବିହୀନ ହୋଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ହେଉଛି ରାସକ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଧ୍ୱଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କରିଯିବ, ଶୂନ୍ୟ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ମା କୋଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାସର ଭୂମି, ଇଏ ଧୂଳି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଧୂଳି, ଏ ଭୂମି ହେଉଛି ଶରଧା ବାଲି, ଏ ଶରଧା ବାଲିଟି ସୁନା, ଶରଧା ବାଲିଟି ସୁନା, ଇଏ ଶରଧା ବାଲିଟି ସୁନା, ଇଏ ଶରଧା ବାଲିଟି ସୁନା, ଇଏ ସୁନା କାହିଁକି କୁହାହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୁ? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେଉଛି ପଦ ଯୁଗଳ, ଇଏ ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ, ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହଳାୟୁଧ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ନାଗ, ଇଏ ବଡ଼ବାଡ଼ର ସାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସବୁ ପୁରୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ତ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୋର ଘର, ମୁଁ ପଚାରିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ନିରବ ତାର ରାଜ କରୁଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସେବକ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସେବକ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିକଳ ପ୍ରାଣରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଆଲୋ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ସବୁବେଳେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ରହିଲେ, ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ହେଲା, ମାଧ୍ୟମ ହେଲା କରୋନା ନା କ'ଣ ନା, ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିବା, ମା' କୋଳରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଇଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ମା', ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ବେଦି, ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଏଇ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନାରଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଯଜ୍ଞ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରେଇଥିଲେ। ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଦାରୁ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜ। ବଡ଼ ଭାଇ ଅନନ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନାଗ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଞ୍ଜରେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗାରୁଢ଼, ସିଏ ମହାରୁଦ୍ର, ସିଏ ମହାଶିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମୁଞ୍ଜେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗାରୁଢ଼, ଜଗବନ୍ଧୁ ହରି ମୋତେ।